हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल दैट इज़ प्रतिभा रियल ब्लॉग एंड मैं हूँ प्रतिभा। तो आज का वीडियो है हाउ टू अप्लाई हेना ऑन हेयर। तो इसलिए मैंने हिमालयन का हेना ले लिया। तो आज मैं अंडे, नींबू और दही के बिना कैसे मैं मेरे हेयर पे अप्लाई करती हूँ, चलो दिखा देती हूँ। तो दोस्त, ये स्टेप मैं फर्स्ट टू लास्ट बाय स्टेप कैसे लगाती हूँ ये आपको आज मैं दिखा दूँगी। तो सबसे पहले क्या करना है, पानी लेना है, गुनगुना पानी में ये जो हेना है इसको मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा पानी देना है, एक बार में ज़्यादा पानी मत दो, थोड़ा थोड़ा करके पानी देके फिर इसको धीरे धीरे मतलब चलाना है, मिक्स करना है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद तो इसको मैं छोड़ दूँगी। तो देखो मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी मिक्स करती हूँ। तो बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे मैंने इसको मिक्स कर लिया और ये मिक्स करके मैं इसको ढक के रख देती हूँ। 2 घंटे के बाद मैं इसको यूज़ करूँगी। तो 2 घंटे बाद मैं देखो ये ढक्कन खोल दिया और इसमें थोड़ा सा पानी चाहिए। अगर थोड़ा सा पानी भी चाहिए ना, थोड़ा सा पानी और थोड़ा गुनगुना पानी से मिक्स कर देना। तो मैंने भी थोड़ा सा पानी दे के इसको मिक्स किया और बहुत ही स्मूथ एक पेस्ट बना लिया है। अब ये मेरा हेना बिल्कुल तैयार है, रेडी टू अप्लाई। इसको मैं अब अप्लाई करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। तो इसके लिए फर्स्ट क्या करना है, आपको बालों को अच्छे से कंघी कर लेना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, बालों में ऑयल इस्तेमाल मत करना, बालों को शैम्पू करना है फिर हेना को अच्छे से अप्लाई करना है, नहीं तो एप्लीकेशन अच्छे से नहीं होगा। मैंने फर्स्ट में एक बीच में मिडिल पॉइंट में मैं थोड़ा सा बाल लिया और उसके साइड से हेना को थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई कर रही हूँ। देखो अच्छे से अप्लाई करती हूँ इसके बीच में, बालों के बीच में, साइड में और पूरा लेंथ तक मैं हेना को अप्लाई कर लूँगी। अच्छे से पूरा हेना को बालों में बैठना चाहिए, मतलब पूरा हेना दिखना चाहिए। और इसको करने के बाद मैं थोड़ा सा जूड़ा बना लूँगी, जैसे हो सके वैसे जूड़ा बनाना है। तो उसके बाद धीरे धीरे करके थोड़ा साइड से एक बार लेफ्ट से और एक बार राइट से ऐसे करके थोड़ा थोड़ा बालों को लेना है और इसको बीच में मतलब जो स्कैल्प है उसके अंदर भी उंगली से हेना को इस्तेमाल करना है, हेना को अच्छे से अप्लाई करना है। पूरा एंड तक जो बाल है, पूरा बाल में हेना को अच्छे से इस्तेमाल करना है, पूरा सा पूरा लगाना है। ऐसे बीच बीच में लगाओगे और बीच में नहीं होगा तो हेना अच्छा नहीं होगा, मतलब बाल जब आप धोगे ना तब अच्छे से नहीं दिखेगा। तो अगर आपका बाल राफ है तो बहुत ज़्यादा घने करके इसको इस्तेमाल करो, तो बाल बहुत ही धोने के बाद अच्छा सा वॉल्यूम भी होगा और सिल्की भी हो जाएगा। तो ऐसे करके मैं पूरा बालों में धीरे धीरे करके थोड़ा सा टाइम देके करना है दोस्त, क्योंकि ये कम थोड़ा सा टाइम देके करोगे ना तो अच्छे से सेट हो पाएगा और ठीक ठाक हेना भी बैठेगा। जल्दबाजी में ये सब काम नहीं होता है, धीरे धीरे करना है। मैं तो स्पीड बढ़ा लिया है इसीलिए ऐसे जल्दी जल्दी हो रहा है। तो बहुत टाइम लेके करना पड़ता है फिर जाके एक अच्छे से बाल मतलब धोने के बाद आ जाता है। तो ऐसे करके मैं धीरे धीरे करके एक साइड से करके फिर दूसरे साइड ऐसे करके करके फिर जूड़ा को रोल रोल करके घुमा दे रही हूँ, जैसे कि बाल हेना में अटक जाए, मतलब थोड़ा सा जूड़ा बन जाए, इधर उधर बाल खुल ना जाए। ऐसे करके मत करना, ठीक ठाक करके करना। अब मेरा सामने जो फोन का हेयर है उधर मैं अभी इस्तेमाल कर रही हूँ। देखो मैं स्कैल्प के अंदर उंगली दे के हेना को अच्छे से अप्लाई कर दे रही हूँ। तो ऐसे करके करने से बाल मतलब अच्छे भी होता है अंदर से और बाहर से भी अच्छा होता है, मतलब स्कैल्प में डालोगे तो बाल अंदर से अच्छा होगा और बाहर से मतलब लेंथ में लगाओगे तो बाहर से अच्छा दिखेगा। तो हम लोगों को क्या करना है, पूरा करना है, अंदर भी हो ठीक ठाक होना है और बाहर भी। तो वैसे करके देखो मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। थोड़ा सा सामने का थोड़ा सा हिस्सा है और जितना भी हेना बच जाता है, मेरा तो हिमालय का एक पैकेट लेके आई, उस
के उससे आधा मैंने डाल दिया। और आपके बाल अगर मेरे बाल से ज़्यादा और घने हैं तो पूरा पैकेट ही डाल दो। ये अंडे के बिना, दही के बिना बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग और टचअप भी आता है। कुछ भी लगाने का, कुछ कॉफ़ी पाउडर, चाय के पत्ते वत्ते कुछ नहीं देना पड़ता है, ये बस देने से हो जाता है। और इसको मैंने जो बचा हुआ है ना है, इसको अच्छे से मैंने मोटे मोटे लेयर करके इसको अप्लाई कर दिया। देखो अब मेरा बाल, मैंने शैम्पू नहीं किया, बाल जस्ट पानी से, ठंडे पानी से धो लिया। और अब देखोगे मेरे बाल कितने अच्छे आ गए, ये वॉल्यूम भी अच्छे आ गए और बहुत ग्लोजी एक चमक रहा है बालों में, ग्लोजीनेस भी आ गए और बहुत ही सिल्की हो गए, बहुत सॉफ्ट हो गए। मैंने बहुत बार हाथ लगाए बालों में, अच्छा लग रहा है बालों में हाथ देना, क्योंकि हेना करने के बाद बहुत ही सॉफ्ट हो गए। आप देख ही सकते हो कितना सॉफ्ट हो गए, पहले इतना सॉफ्ट नहीं था और सिल्कीनेस भी नहीं था। मेरे मतलब मेरे बाल स्ट्रेट तो नहीं है, ओवी टाइप का है, तो आप देख सकते हो कैसे आए हैं, वॉल्यूम भी ज़्यादा हो गए और सिल्की भी हो गए, बहुत सॉफ्ट हो गए। ये है ना बहुत ही अच्छे है, अगर आप चाहो तो ये इस्तेमाल कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, अगर अच्छे लगे तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताना ना भूलना। ओके बाय बाय, टेक केयर।